वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है दैट कोल माइनर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक नेशनल लेवल का डे है, राइट। अब जो कोल माइनर्स होते हैं, कोल्स में जो माइनिंग होती है, वहां पे जो वर्कर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोल माइनिंग को अगर हम बात करें ना, तो पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस एंड टफेस्ट प्रोफेशन ये माना जाता है। माइनर्स यानी जो माइनिंग कर रहे होते हैं वर्कर्स, है ना, तो उनकी पूरी लाइफ इसी चीज में चली जाती है। टनलिंग है, डिगिंग मतलब खुदाई करनी है, है ना, कोल को एक्सट्रैक्ट करना है माइन से, तो एक बहुत ही जो है टफ काम माना जाता है। प्लस कोल की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जिसमें सबसे ज्यादा होता है कार्बन। एंड कार्बन कहाँ पे यूज होता है? स्टील बनाने में, सीमेंट बनाने में, प्लस पावर जनरेट करने में भी। ठीक है, कार्बन क्या है इसके बारे में ना, हम केमिस्ट्री में जब हम लास्ट में पढ़ेंगे एलिमेंट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे, है ना, वहां पे हम कार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कंप्लीट। सेकंड पॉइंट हम देखें, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक तरह से एक इशू आई है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पेज एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट हमारा है दैट ब्रू माइग्रेंट्स। अब देखिए, हम पढ़ते हैं ना इलीगल माइग्रेशन होता है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर जो है दो कंट्रीज के बीच में फेंसिंग नहीं की होती है बॉर्डर्स पे, है ना, अच्छे से, या फिर वहां पे अच्छे से जो है गार्ड नहीं होते हैं। तो अब ब्रू माइग्रेंट्स का इशू भी वैसा ही है, लेकिन ये किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का नहीं है, ये इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट को माइग्रेट हुए हुए लोग हैं। ठीक है, क्यों माइग्रेट हुए हैं, चलिए वो भी देखेंगे, बट सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो ब्रू माइग्रेंट्स हैं ये न्यूज में आए कहाँ से। ठीक है ना, तो ब्रू माइग्रेंट्स जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 37,000 है, जो एक जगह से दूसरी जगह को माइग्रेट हुए, है ना, तो अब ये न्यूज में इसलिए आए क्योंकि इनको अब एक तरह से वोटिंग कार्ड इनका बना, इनको परमिशन मिली कि लोकसभा के लिए सबसे पहले इन्होंने वोटिंग की एज त्रिपुरा वोटर्स, त्रिपुरा के, इस त्रिपुरा स्टेट के रेजिडेंट के तरह जो है इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग की है। ठीक है, तो ब्रू माइग्रेंट्स मतलब त्रिपुरा स्टेट के बन गए ये, है ना, त्रिपुरा बोनाफाइड हो गए। इससे पहले कहाँ थे? ये मिजोरम में होते थे। ठीक है ना, इससे पहले त्रिपुरा में जो वहां के स्टेट असेंबली लोकसभा के इलेक्शंस हुए 2023 में पिछले साल, तो वहां भी इन्होंने जो है वोटिंग की है। अब हम ब्रू माइग्रेंट्स के बारे में जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रू माइग्रेंट्स जो है इन्हें रियांश भी कहा जाता है। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि आपको इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे मिल जाएगी, और मेनली अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम इन तीन स्टेट्स में रहते हैं। और त्रिपुरा में इन्हें डेजिग्नेट किया गया है एज पीवीटीजी, मतलब त्रिपुरा में इन्हें पीवीटीजी माना जाता है, जो कि क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, है ना। चलिए अब ये भी हो गया, अब त्रिपुरा में रहते हैं, वहां पे पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस दिए, तो कहां से आए त्रिपुरा में, मतलब लोकसभा की वोटिंग, इलेक्शंस की वोटिंग के लिए, है ना, अभी एकदम से आए, कहां से आए? चलिए अब देखिए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये लोग मेनली मिजोरम से त्रिपुरा शिफ्ट हुए हैं। क्यों हुए मिजोरम से त्रिपुरा शिफ्ट? देखिए, पिछले 2 डेकेड से एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है, है ना, क्योंकि इनको जो है अलग माना जाता है जो मिजोरम के लोग हैं उनसे। मिजोरम के लोग खुद को अलग मानते हैं ये जो ब्रू माइग्रेंट्स हैं इनसे। क्यों? क्योंकि 1995 में एक एसोसिएशन थी, यंग मिजो एसोसिएशन, और इसके साथ में एक दो और भी थी, तो उन्होंने कहा कि जो ब्रूज हैं, यानी ब्रू माइग्रेंट्स हैं, ब्रूज हैं, इनको एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए मिजोरम के इलेक्टोरल पोल से, है ना, जो पोलिंग होती है मिजोरम स्टेट में, वहां की पोलिंग से इन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोकल नहीं है, यहाँ के इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स, मतलब अपने ही स्टेट के नहीं है, लोकल नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, अब मिजोरम के लोग इन्हें वाई कहते थे, वाई का मतलब होता है आउटसाइडर्स या फिर नॉन मिजोर्स, जो मिजोरम के नहीं है। तो मिजोरम के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इनके साथ भेदभाव किया, और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने पूरा पूरा इनको एलिमिनेट कर दिया पोलिंग से। तो उसके बाद से फिर ये इधर उधर वैसे ही हो रहे थे, कभी त्रिपुरा में, कभी कहीं, है ना, तो प्रॉपर इनका एक परमानेंट ठिकाना नहीं था, जो कैंप्स लगते हैं वहां पे रह रहे थे। अब प्रॉपर त्रिपुरा स्टेट ने इन्हें अच्छा अपना बोनाफाइड मान लिया, इनको प्रॉपर जो है वोटिंग का अधिकार इनको दे दिया, और इन्होंने जो है त्रिपुरा से एज अ सिटीजन लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग की है। न्यूज हमारी ये थी। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं बना रहे हैं देखिए बहुत लॉस होगा, सिर्फ सुन के चीजें समझ नहीं आती हैं, थोड़े बहुत इस तरह से नहीं बनाने, इससे भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, बट नोट्स जरूर एड ऑन करें ताकि जब एग्जाम आए तो उस दिन आप बैठ के एक बार अपनी नोटबुक उठाई, दो घंटे पढ़ा और हो गया, ठीक है ना। ऐसे वीडियोज देखने लगेंगे तब नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अवार्ड किसे दिया गया। आउटस्टैंडिंग PSU अवार्ड दिया गया हॉल को। हॉल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब पहले इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम हॉल के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने प्रेजेंट किया। कहाँ पे? AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी हुई वहां पे। हेयर AIMA स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन 1957 में बनी थी एंड एक अपेक्स बॉडी है, टॉप की बॉडी है फॉर द मैनेजमेंट प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन जिसकी हमने बात की कि मैनेजमेंट एसोसिएशन है, मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए टॉप की बॉडी है, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है हॉल को, ठीक है। हॉल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कई बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हॉल के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चर, समझते हैं ना आप, डिफेंस सेक्टर में कुछ बनाना है ना, कोई भी चीज बनानी है तो उसको बनाने का काम हॉल के पास होता है। एरोस्पेस सेक्टर में कुछ भी बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हॉल के पास होता है। तो दुनिया की सबसे पुरानी, वन ऑफ द, जितनी भी पुरानी है उनमें एक एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में, फॉर्मेशन हुई थी 1940 में। किसने की थी, मतलब किसके थ्रू हुई थी? तो वॉलचंद हीराचंद ने उस टाइम जो किंगडम ऑफ मैसूर था उसके साथ मिलकर जो है हॉल की फॉर्मेशन की थी। गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है पूरी तरह से, इसके राइट्स जो है वो, स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है। इसका मेन काम है डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन एंड असेंबली। किसकी? एयरक्राफ्ट्स हो गए, जेट इंजन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, पहले उनके पार्ट्स बनाना, उनको असेंबल करना, तो वो सारा काम किसके पास है? हॉल के पास है, ठीक है। इसी के साथ PSU यहाँ पे आया ना, देखिए तो PSU में कौन सा मिनी रत्ना स्टेटस है वाली कंपनी है, कौन सी नवरत्ना है, कौन सी महारत्ना है, कैसे पता चलेगा, कैसे आप इन्हें क्लासिफाई करते हैं, सबसे लोअर स्टेटस कौन सा है, सबसे हायर स्टेटस कौन सा है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। नहीं आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप इकोनॉमिक्स हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टोटल 111 वीडियोस वहां पे है, ठीक है जी। चलिए आगे चलें, फोर्थ पॉइंट अपना देखिए। तो ये छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, एक कंसल्टेशन मीटिंग हुई है। कंसल्टेशन मीटिंग माने जैसे दो कंट्रीज के बीच में कोई ना कोई डायलॉग चलता रहता है, 2+2, 4+4 पढ़ते हैं ना हम, तो वैसे एक सिंपल सा 10th राउंड हुआ है इंडिया और जापान के बीच में कंसल्टेशंस का, ऑन डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। हथियारों को कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे कंट्रोल करना है, नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में, तो एक मीटिंग हुई है इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ पे हुई है? टोक्यो में हुई है। अब इंडिया की तरफ से किसने वहां पे जो है डिस्कशन की? तो जॉइंट सेक्रेटरी डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के जो है कौन है? मुआनपुई साइवाई, है ना। तो इन्होंने जो है यहाँ पे रोल अपना प्ले किया। जापान की तरफ से भी कोई होंगे, एग्जाम में नहीं पूछता, इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए यहाँ पे टर्म आ गई हमारे पास, नॉन प्रोलिफरेशन। क्या होता है? देखिए कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस पर एक लिमिट लगाना, ठीक है। स्पेशली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स होते हैं, उनके ऊपर एक लिमिट लगाना ताकि ज्यादा एक्सेस में ना हो जाए। मतलब एक हम बोलते हैं ना, कोई भी न्यूक्लियर ट्रीटी होती है या न्यूक्लियर आर्म्स के ऊपर बात होती है, तो उसमें क्या होता है कि पीसफुल वे में कैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करें, है मैन्युफैक्चरिंग कर लो, अपने पास रख लो, बट यूज नहीं करना है, राइट। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं वो न्यूक्लियर ट्रीटी के अंडर साइन होती हैं, और भी बहुत सारी होती है, तो उसी को हम नॉन प्रोलिफरेशन बोलते हैं। दैट लिमिटेशन ऑफ द प्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ समथिंग, स्पेशली न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स। लिमिट में मैन्युफैक्चरिंग करो, है ना, लिमिट में स्प्रेड करो, ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट इराक के जो पार्लियामेंट है, इराक एक एशियन कंट्री है, ठीक है, तो इराक के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है जिसके अंडर क्रिमिनलाइज किया है सेम सेक्स रिलेशनशिप को। गे, लेस्बियन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम, LGBTQ वो पढ़ते हैं हम कम्युनिटी, है ना। तो अब देखिए आप ये चीज देखेंगे कि हर एक कंट्री जो है इस चीज को लीगलाइज कर रही है, मतलब नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। हमने नेपाल का पढ़ा था तो उन्होंने इस टूरिज्म के ऊपर बात की कि इस तरह की कम्युनिटीज आ सकती है नेपाल में, घूम फिर सकती है, कोई इशू नहीं होगा, है ना। लेकिन इराक ने बिल्कुल उल्टा किया है, उन्होंने सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज किया है कि कोई अगर इस चीज में इन्वॉल्व होता है उसे क्रिमिनल मान के सजा दी जाएगी। इसी के साथ एनेबल किया है कोर्ट्स को, एनेबल किया है कोर्ट्स को टू सेंटेंस पीपल, लोगों को जेल भी हो सकती है जो इस तरह के काम करेंगे, 10 से 15 साल की जेल हो सकती है। एम क्या है इराक की पार्लियामेंट का ऐसा डिसीजन लेने का, ऐसा लॉ बनाने का? एम ये है टू अपहोल्ड रिलीजियस वैल्यूज। देखिए अगर आप देखेंगे इराक एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पे मुसलमानों की है, तो अब रिलीजियस वैल्यूज अब उनका अलग सिस्टम है ना, तो उस चीज को वैलिडेट करने के लिए, प्लस जो इराक की सोसाइटी है इस जो मॉरल डिप्रेविटी से कंसिडर किया गया कि गलत चीज हो रही है हमारी सोसाइटी में, तो उससे इराक की सोसाइटी को बचाने के लिए ये पार्लियामेंट में, इराक के पार्लियामेंट में लॉ पास किया गया है। अब अगर हम बात करें ये जो सेम सेक्स एक्ट है ना, ये लीगल हो चुकी है 130 से ज्यादा कंट्रीज में, एंड 60 कंट्रीज के अराउंड ऐसी भी हैं जिसने क्रिमिनलाइज कर रखा है गे सेक्स को, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इराक के बारे में, तो पहले तो आपको मैप के ऊपर 5 मिनट पॉज करो वीडियो और देखो कि कहाँ पे इराक है, पहले खुद से ढूंढो, ठीक है, 5 मिनट लगा के। उसके बाद ये चीज देखो कि एक मुस्लिम नेशन है, 95 से 98% तक पॉपुलेशन यहाँ पे मुसलमानों की ही है, एशियन कंट्री है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है बगदाद एंड करेंसी है इराकी दिनार, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। धीरे धीरे जब देखिए 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं तैयारी करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप जब एनालाइज कर रहे होते हो, तो आपको ये चीज अच्छे से पता लगने लग जाती है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, ठीक है ना। चलिए वो भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है एनालाइज कर पाना कि क्या हम ज्यादा डेप्थ में पढ़ें, किस चीज को हम थोड़ा बहुत स्किप कर दें तो बढ़िया, ठीक है ना। चलिए 6th पॉइंट हम अपना देखिए, IREDA क्या है। IREDA चलिए एक एजेंसी का नाम है, फुल फॉर्म इसका बाद में देखेंगे। तो ये एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे रिसेंटली नवरत्न स्टेटस दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अच्छा यहाँ पे आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं, 3 तरह के स्टेटस होते हैं, मिनिरत्न, नवरत्न एंड महारत्न, कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। चलिए आपको तरीका बताती हूँ। मिनी माने छोटा, छोटा ना तो सबसे छोटा, महा माने महान, बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा, तो मिनी रत्न हो गया सबसे छोटा, महारत्न हो गया सबसे बड़ा। अब बीच में जो बच गया उसको बीच में डाल दो, 3 ही तो है ना, तो तीसरा क्या बच गया, नवरत्न। क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मैम नवरत्न हायर स्टेटस होता है या महारत्न? महा मतलब महान, यानी महारत्न सबसे बड़ा है, मिनी मतलब छोटा, तो सबसे छोटा मिनी रत्न, जो तीसरा बच गया वो बीच वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। प्लस अगेन PSU के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, अभी हमने आउटस्टैंडिंग PSU अवार्ड पढ़ा है ना, जो कि हॉल को दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया, अभी हमने पढ़ा, अभी दूसरी न्यूज आ रही है, तो कोई चीज बार बार न्यूज में है, मतलब ये PSU वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम, तो आपको इसको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, जो कि आप इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पूरा मैं पढ़ा चुकी। चलिए PSU का हो गया। अब हमने न्यूज क्या देखी कि IREDA को रिसेंटली नवरत्न स्टेटस मिला है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये IREDA क्या है, अब यहाँ पे ये चीज अराइज हो जाती है, यहाँ पे IREDA है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये कोई नई एजेंसी नहीं है, न्यूज में जिक्र होता रहता है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके में हम पढ़ते हैं, तो कोई नई चीज नहीं लगनी चाहिए आपको, ठीक है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब बैंक नहीं है लेकिन फिर भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वैसा काम करता है, फंडिंग करता है, लोन देता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये आता है, ये फंडिंग प्रोवाइड करवाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। इस एजेंसी की फॉर्मेशन 1987 में हुई थी, ठीक है। आगे चले 7th पॉइंट की ओर, तो एक न्यू स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर की गई है, रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर की गई है, तैल सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल के सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट में तैल सेंचुरी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, है ना। तो ये बटरफ्लाई स्पीसीज जो है जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है, नेप्टिस फाइलोरा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई नई स्पीसीज है, कोई नई ढूंढ दी एकदम से, नहीं, देखिए ईस्ट एशिया में ये वैसे भी मिलती है, जो कोरिया है, जापान है, चाइना के कुछ पार्ट्स है वहां पर ये ऑलरेडी है,
लेकिन इंडिया में पहली बार मिली है जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वहां का जो सुबानजिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो तेल सेंचुरी है वहां पे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। बट वेट, एक कमेंट आया था कि मैम वीडियोस लंबी हो रही हैं। देखिए जिस दिन न्यूज़ ज़्यादा होंगी उस दिन तो वीडियो लंबी होगी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दो पेजेस के नोट्स भी पढ़ते हैं, वो क्यों? क्योंकि न्यूज़ ही नहीं मिल पाती है ना। कई बार डेज ऐसे होते हैं, अब आजकल बहुत सारे पॉइंट्स वाले डेज चल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा पढ़ाई पर फोकस रखें, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज होता है कंप्लीट। आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकती हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट CVO JNPA के कौन बने हैं। सबसे पहले CVO क्या होता है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। JNPA क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं हम इस बारे में, है ना। तो JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने हैं मनोज कुमार। 3 साल का इन्हें टेन्योर दिया गया है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के बारे में, तो पोर्ट है ये, बंदरगाह है, ठीक है, कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है इंडिया में, मुंबई महाराष्ट्र में है। 26 मई 1989 को इसका काम स्टार्ट हुआ, मतलब इसने वर्किंग स्टार्ट की। इसे नवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में है। रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि थोड़ा अपग्रेड किया जाए इस पोर्ट को, और एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। 1966 में फॉर्मेशन हुई थी, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स हैं, पढ़ते हैं ना हम स्टैटिक जीके में। ठीक है जी, अब JNPA के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं, लेकिन वो ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ मैंने आपको हल्का सा बता दिया कि एक बंदरगाह है, यहाँ पे जहाज आएंगे जाएंगे, सामान लोड होगा अनलोड होगा, इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है ना। तो उस तरह बंदरगाह से तो समझते हैं आप, वही चीज़ है। नवा सेवा पोर्ट भी इसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसे कहा जाता है। रिसेंटली यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है ADB के साथ। JNPA के CVO चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने हैं मनोज कुमार। कितनी सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए 9th पॉइंट की ओर। तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किसे दिया गया? सना को दिया गया, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर है, इंडिया टुडे की AI एंकर है, ठीक है। किस लिए दिया गया इन्हें अवार्ड? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं ना न्यूज़ रूम में बाय यूजिंग इनोवेटिव AI टेक्नोलॉजी, उसके लिए। अब ये अवार्ड इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। देखिए ये न्यूज़ भी बहुत चल रही है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भूलना नहीं है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा सना को दिया गया, जो कि इंडिया टुडे की AI एंकर है, ठीक है। आगे बात करें 10th पॉइंट की, तो रिसेंटली एक पर्सन का निधन हुआ है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाम है वी श्रीनिवास प्रसाद, पास्ट अवे रिसेंटली। BJP के MP थे एंड एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम पहुंच गए आज के लास्ट पॉइंट की ओर, एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से हम रैप अप कर रहे हैं। 11th पॉइंट आज का है दैट अराउंड 282 मिलियन पीपल फेस्ड एक्यूट हंगर इन 2023 UN रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से 2023 में 282 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी की प्रॉब्लम उन्होंने बहुत फेस की है, खाना नहीं भरपेट मिल पाया है। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हुए हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स हुए मेनली गाजा में हुए, सूडान में हुए, उसकी वजह से ये दिक्कत अराइज हो रही है ना। अब 2023 जो है पांचवां लगातार ऐसा साल बन चुका है, 5th consecutive year बन चुका है जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो फूड इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हैं वो इंक्रीज हुआ है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हंगर इस ग्लोबल इशू की तरफ बढ़ रहे हैं ना, भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, भुखमरी की दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो अब ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 2023 तक 282 मिलियन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।